हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए चाशनी बना के तैयार करते हैं। देखिए हमने ये तोड़ के इलायची तीन हमने इलायची ले रखा है। ये पानी एक लीटर पानी है। ये देखिए हमने ये एक किलो ये चीनी ले रखा है और इस पे डाल के हम चाशनी तैयार करेंगे। देखिए हमने चीनी डाल दिया, अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, अपनी चाशनी हम तैयार करेंगे। देखिए हमने रख दिया, अब चाशनी तैयार होने के लिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने एक बर्तन ले रखा है, हम ये प्रीमिक्स गुलाब जामुन का ये पैकेट है, इसमें से हम नाप के कटोरी से ले लेते हैं। देखिए हम इसे कटोरी से नाप के ले लेते हैं। देखिए हमने एक कटोरी ले लिया, ये मिक्स गुलाब जामुन जो है इसे इस पाउडर को हम ले लेते हैं। देखिए हमने ये एक कटोरी लिया, हम इसे दो कटोरी लेके यूज करेंगे। देखिए इसे हमने इतना ले लिया, इसको हमने दो कटोरी ले लिया। देखिए हमने चाशनी अपनी रख दी, हमारी चाशनी तैयार हो रही है। हम ये काजू और बादाम ले लेते हैं, हमने इसे काट के रखा हुआ था, इसमें से हम ले लेते हैं। देखिए हमने ये केसर कलर ले रखा है, इसमें हम हल्का सा पानी डाल के अपने कलर को तैयार करेंगे। देखिए हमने ये पानी डाल दिया, कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये हम केसर कलर इसे हम साइड में रख देते हैं। इसमें से हम ये अपना ले रहे हैं प्रीमिक्स जो पाउडर है, इसे हम इसमें लेके इसे अच्छे से मिला देते हैं। देखिए इसे हमने अच्छे से मिला दिया थोड़ा सा, और अब इसके बाद ही ये हम अपना कलर डाल के इसे अच्छे से मिला के तैयार करेंगे। देखिए हमने ये अपना कलर डाल दिया, इसमें इसे अच्छे से हम मिला देंगे। देखिए इसे हमने अच्छे से मिला दिया, अब इसमें हम हल्का सा पानी डाल के इसको हम तैयार करेंगे। देखिए इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है हमें, कम भर का पानी डाल के देखिए ऐसे हमें मिलाते हुए इसे हम गूंथ के तैयार करेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है, जैसे जैसे ये कलर इसमें मिलता जा रहा है वैसे वैसे इसका कलर और अच्छा होता जा रहा है। हल्का सा और पानी डाल के इसमें हमने कुछ दूसरा नहीं डाला, जो हमने डाला आपको सामने दिखाया है। अब इसे हमें मसल लेना है अच्छे से। चलिए इसे हम तैयार कर लेते हैं, हमने इसमें कुछ डाला नहीं है, प्रीमिक्स हमारा जो ये पाउडर है हमने लिया है वो है। अब इसे हम गूंथ के तैयार कर लेते हैं, एक ही बार हमें पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये नरम पड़ जाएगा, और ज्यादा टाइट भी हमें इसे नहीं गूंथना है, नहीं तो अच्छे हमारे गुलाब जामुन नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें इसे ऐसे करते हुए अच्छे से तैयार करना है। देखिए इसे हमें अच्छे से ऐसे ही करके हम तैयार करेंगे, हल्का हल्का सा पानी डाल के हमें गूंथना है इसे। स्वाद बहुत अच्छा लगता है, इसे आप जरूर बना के खाइएगा। हमने और वीडियो डाल रखा है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। देखिए इसे हमने गूंथ के तैयार कर लिया, अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दे रहे हैं, 5 मिनट बाद इसको हम बनाएंगे। देखिए ऐसे ही हमें नरम आटा लगाना है, ऐसे करने से बहुत अच्छे हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसको आप जरूर बना के खाइएगा, जिसको ना आता हो गुलाब जामुन बनाने वो आसानी से इसको बना सकता है। न कोई चीज न खोया डालना है न पनीर डालना है, केवल प्रीमिक्स पैकेट आप ले लीजिए, उससे आप बना लीजिए, बहुत आसानी से बना सकते हैं। कोई भी हो जिसको ना बनाने आता हो वो भी इसको बना सकता है, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान देना है, हम इसका आटा लगाएंगे तो ऐसे ही नरम होना चाहिए। अभी इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, 5 मिनट बाद ये थोड़ा टाइट हो जाता है, इससे ज्यादा टाइट हम नहीं करेंगे, नरम हो जाएगा तो दिक्कत होगी। अभी इसे हम 5 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ रहे हैं। देखिए ये हमारा आटा सेट हो गया है, हमने गूंथ के रखा हुआ था। अब इसे हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, देखिए इसे हमें ऐसे कर लेना है, आपको जैसा साइज चाहिए उसके अनुसार आप साइज दे दीजिएगा। देखिए हम इतने छोटे छोटे इसके साइज करेंगे, देखिए ऐसे करते हुए हमें तोड़ लेना है इसका। देखिए ये हमारा सेट हो गया है, इसे हम ले लेते हैं। अब इसे हम छोटा छोटा वैसे ही जैसे साइज हमने तोड़ा है वैसे ही साइज इसका भी हम कर लेंगे। देखिए
ऐसे ही हमें करते हुए हमने कई तरह का वीडियो डाला है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब देखिए इसे हमें ऐसे साइज देना, उससे हमें थोड़ा बड़ा रखना है इसको। देखिए ऐसे करते हुए इसे भी हम तोड़ लेंगे, ऐसे हमें इसे भी तोड़ लेना है। हमने देखिए कई तरह की मिठाइयां डाली हुई है बना के, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आज हम कई तरह की मिठाई बना के डालेंगे। देखिए हमें साइज यही चाहिए, ऐसे हमें करते हुए इसे हमें तोड़ के तैयार कर लेना है। देखिए हमने दोनों को तोड़ के तैयार कर लिया है, इसको हम साइड में हटा देते हैं। अब हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे करना है हमें। ऐसे हमें इसे लेके छोटा पार्ट ऐसे ही हमें लेके इसे ऐसे करते हुए इसके अंदर हम ऐसे ही उठा के गोल नहीं करेंगे, ऐसे करते हुए इसे हम सील कर देंगे। देखिए ऐसे ही हमें करते हुए इसे सील कर देना है। देखिए ऐसे ही हम अपना सारा बना लेंगे मिठाई, ऐसे ही हम अपने गुलाब जामुन तैयार करेंगे। इतनी स्वादिष्ट लगते हैं, आप एक बार बनाएंगे बार बार सोचेंगे, बार बार यही बना के खाएं, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। झटपट बन जाने वाली ये मिठाई है, 5 मिनट में आप मिठाई तैयार कर सकते हैं। बिना समय लगे मिठाई हमारी तैयार हो जाती है। अचानक से अगर मेहमान आ गए, आप झटपट इसे 2 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही करते हुए हम अपना सारा बॉल तैयार कर लेंगे। देखिए ऐसे ही हम अपना सारा तैयार करेंगे। देखिए हमने सारा बना लिया, 3 बचा हुआ है, ये भी हम बना लेते हैं। देखिए हमने तेल रखा हुआ है चूल्हे पे, इसको हम चूल्हे को ऑन कर देते हैं। तेल हमारा गर्म हो रहा है। अब इन तीनों को भी हम बना के उसके बाद से हम डाल के तलेंगे। देखिए ये हमारे केसरी गुलाब जामुन, हम केसरी गुलाब जामुन बना रहे हैं। देखिए ऐसे करते हुए इसे अच्छे से हमें, देखिए हमने ऐसे अच्छे से गोल गोल इसको बना लिया है बॉल के जैसे, अच्छे से हमें मसल के ऐसे हमें करना है। इसे हमें उठा के ऐसे ही हमें इसे देखिए सील करके हम गोल बॉल बना देंगे इसका। ये हमारे केसरी गुलाब जामुन देखिए बनके तैयार हो गए हैं, हमने सारा तैयार कर लिया। और हमारा तेल गर्म हो रहा है, तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम डाल के इसमें हम इसको तलेंगे। देखिए ऐसे करते हुए हम अच्छे से सील कर देंगे। हमारे गुलाब जामुन बन गए। देखिए हमने और वीडियो डाल रखा है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। देखिए चेक कर लेते हैं तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे अपने गुलाब जामुन। देखिए हम अपने सारे गुलाब जामुन एक ही बार डाल देंगे, क्योंकि ये बड़ा बर्तन है, हमारी कढ़ाई बड़ी है, एक ही बार सारा पड़ सकता है। ऐसे हमें करते हुए इसे हम डाल देंगे और हल्के हाथों से हमें हिलाते हुए इसे तैयार करना है। ये हमारे केसरी गुलाब जामुन बन रहे हैं। देखिए ऐसे ही हमें हल्के हाथों से हिलाते हुए इसे पकाना है, मतलब तलना है। देखिए 5 मिनट हो गया है, ये हमारे तल के तैयार हो गए। इसे हम बाहर निकालेंगे तेल से, इस जाली वाले चनोटे में हम निकालेंगे कि तेल अच्छे से निकल जाए। और 2 मिनट बाद इसे हम चाशनी में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। देखिए हमने सारा निकाल लिया, अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रख दे रहे हैं 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट हो गया है कि हम अपने निकाले हुए गुलाब जामुन इसमें डाल देते हैं। केसरी हमारे केसरी गुलाब जामुन है, चाशनी हमारी गर्म है, अब इसको हम 1 घंटे के लिए इसमें डाल के छोड़ देते हैं। देखिए 1 घंटा हो गया है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं सारा। देखिए हमने सारा अपना ये चाशनी से निकाल लिया, अब इसको हम सजा के आपको दिखाते हैं। चलिए निकाल के आपको हम दिखाते हैं। हमारे गुलाब जामुन ठंडा हो गए हैं, ये हमने गड़ी का बुरादा ले रखा है। अब ऐसे करते हुए इसे हमें अच्छे से लगा देना है इस पे। ऐसे करते हुए हम इसे सजा के तैयार करेंगे ऐसे ही। देखिए इसे हम ऐसे करते हुए सारा कर देंगे।
देखिए हमने बना के तैयार कर लिया, हमने इसे सजा दिया है, सबसे साइड में हम डाल देते हैं इसको। अब इस पे हम ये हमने बादाम और काजू के कतरन तैयार किया हुआ है, इसको हम रख देते हैं ऊपर। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए बहुत स्वादिष्ट बनके तैयार हुए हमारे गुलाब जामुन।